सो गाइज, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आहूजा एम्पलीफायर के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर 120 वाट का एम्पलीफायर है आरएमएस पावर में आहूजा की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस एम्पलीफायर में, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसका प्राइस, कि इस एम्पलीफायर का, इस छोटे से एम्पलीफायर का प्राइस कितना होगा, और यहाँ पर आपका जो है कितने वाट का यहाँ पर आप स्पीकर लगा सकते हैं, और यहाँ पर हॉर्न यूनिट कितना लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखते रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में ही इसका प्राइस बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकेशन सारा सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर, और चैनल में अगर अभी तक नया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डिजिटल रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डिजिरोक चैनल। दोस्तों बात करते हैं एम्पलीफायर की तरफ से, तो यहाँ पर आहूजा SSB 120 जो इसका मॉडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटपुट का जो यहाँ पर आपका इंडिकेटर है, ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस ट्रेबल, और यहाँ पर आपको मिल जाता है मास्टर का एक आपका नॉप मिल जाता है, तीनों यहाँ से आप साउंड आप अपने हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का स्विच आपको देखने को मिल जाता है, और वहीं हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 माइक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बिना मिक्सर के हम इसमें 5 माइक भी इसमें चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर में आपका गेन मिल जाता है 5ों माइक के लिए, जो कि आप साउंड कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑक्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे आपको ऑक्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वहीं आपका जो है स्पीकर आउटपुट भी आप वहां कर सकते हैं, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, या फिर अगर आप यहां पर हॉर्न ड्राइव यूनिट चलाते हैं तो 70 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट, अगर आपका 100 वोल्ट का है तो आप 100 वोल्ट में आप काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं इसमें। और यहां पर कितने वाट का यहां पर हॉर्न यूनिट चलेगा, तो चलिए बात करते हैं पहले। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आहूजा एम्पलीफायर SSB 120 का स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है पावर जो है एम्पलीफायर में, ये आपका 120 वोल्ट आरएमएस पावर आपको दे देता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोड यहाँ पर आप डाल मतलब कि इसको दे सकते हैं, मैक्सिमम लोड यहाँ पर 160 वाट का यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर आप चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइक स्पीकर या फिर HF या फिर आप यहाँ पर ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं 160 वाट मैक्सिमम। वहीं दोस्तों बात करते हैं स्पीकर आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम आपको देखने को मिल जाता है, और वहीं आपको लाइन आउटपुट मिल जाता है 70 वोल्ट एंड 100 वोल्ट के लिए आपको लाइन आउटपुट मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर हॉर्न ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर सप्लाई देना है इस एम्पलीफायर को 220 से 240 वोल्ट के बीच में, और वहीं अगर हम कार बैटरी जैसे कि बैटरी से चलाते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट के बैटरी से आपका चल जाएगा ये एम्पलीफायर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप बैटरी से भी इसको रन करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रचार के लिए, कुछ गाड़ी में भी अगर आपको लगाना है तो ओनली बैटरी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी से आप काफ़ी अच्छे से इसमें हॉर्न ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ पर कि कितना यहाँ पर स्पीकर और यूनिट चलेगा। पहले बात करते हैं स्पीकर से, यहाँ पर दोस्तों स्पीकर से यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसमें 150 वाट के एक स्पीकर इसमें लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 200 वाट का स्पीकर है तो यहाँ पर आप 200 वाट का एक स्पीकर भी लगा सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं दो स्पीकर से, तो यहाँ पर दो स्पीकर आप यहाँ पर 100-100 वाट के दो स्पीकर आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको जो है बजा देगा। अगर आपका स्पीकर 16 ओम का है तो अगर आप दो स्पीकर चलाते हैं 100-100 वाट का, तो यहाँ पर आपका 8 ओम में काम करेगा, जैसे कि कॉमन और 8 ओम में आपको कनेक्शन करना है। अगर आपके पास 8 ओम का दो स्पीकर है 100-100 वाट का, तो यहाँ पर आपको लगाना है कॉमन, 4 ओम में आपको लगाना है, जो कि पैरेलल कनेक्शन रहेगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर यूनिट के लिए, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर आपके पास 40 वाट का ड्राइवर यूनिट है जो कि 100 वोल्ट लाइन में आता है, तो यहाँ पर आहूजा का मान लेते हैं, तो यहाँ पर आहूजा का अगर आपके पास 40 वाट का यहाँ पर ड्राइवर यूनिट है, तो यहाँ पर दोस्तों आप उसी हिसाब से 160 वाट के मतलब कि 4 + 4 = 8, मतलब कि यहाँ पर 4 यूनिट हम काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपके पास 40 वाट का 4 यूनिट है तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से आप चला सकते हैं, जो कि कॉमन और 100 वोल्ट में आपको कनेक्शन करना है। वहीं दोस्तों बात करते हैं 50 वाट का है, तो 50 वाट को आप उसको 40 वाट में यूज़ करके आप 40 यहां पर आप चला सकते हैं, मतलब सॉरी 4 यूनिट चला सकते हैं। अगर वहीं आप उसको अगर 30 वाट में यूज़ करेंगे तो आप लगभग यहाँ पर
6, 3, 18 लगभग 5 मान के चलिए, यहाँ पर 5 कम से कम 5 ड्राइवर यूनिट आप चला सकते हैं। तो ये आपको यूज़ करने के ऊपर है, अगर आप इसका वोल्टेज अगर कम कर देते हैं ड्राइवर यूनिट का, तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी हॉर्न आप चला सकते हैं ड्राइवर यूनिट। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर ड्राइवर यूनिट आपको कितना चलेगा, स्पीकर कितना चलेगा। वहीं बात करते हैं एचएफ के लिए, तो यहाँ पर एचएफ आप यहाँ पर 80 वाट का 2 HF आप चला सकते हैं, जो कि आपका पैरेलल में 4 ओम में कनेक्शन होगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका प्राइस के बारे में, जो कि आहूजा SSB 120 वाट का एम्पलीफायर है। इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका अप्रोक्स प्राइस पड़ जाता है RS, जो कि RS प्राइस MRP प्राइस है। MRP प्राइस यहाँ पर आपका लगभग 9,778 रुपये पड़ जाता है। वहीं हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर मार्केट में जो है अलग अलग प्राइस होते हैं, आपके मार्केट में अलग प्राइस हो सकता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स प्राइस आप मान के चलिए 8,800 से लेकर के 9,000 के अप्रोक्स प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समथिंग 9,000 मान के चलिए, तो मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं, आप डीलर से कम भी करवा सकते हैं, तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी वीडियो में आपको बताता हूँ एक आइडिया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था कि यहाँ पर आहूजा SSB 120 एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर लोड कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे एंड इसका प्राइस और सारी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करी। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे जाइए कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल में सेट करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।